झुकेंगे हम नहीं झुकेंगे तुम कुछ भी कर लो वही आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश करेंगे इस बात को दिमाग में डाल लीजिए। अगर आप न्याय के साथ हैं, संविधान के साथ हैं, अपनी हक की लड़ाई के साथ हैं, तो आप अनुशासन के साथ रहेंगे इस बात को अपने दिमाग में डाल लीजिए। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इतनी बात कहने के लिए आया हूँ कि आपने इस देश को बता दिया है कि जामिया मुसलमान के लिए नहीं हिंदुस्तान के लिए लड़ रहा है। इसीलिए आप सबने जो कुर्बानी दी है, आपने जो लाठियां खाई हैं, आपके ऊपर जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, आपके साथियों को जिस तरीके से पीटा गया है, आपकी यूनिवर्सिटी को जिस तरीके से बदनाम किया गया है, जिस तरीके से आपकी लाइब्रेरी को तबाह किया गया है, आपके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि ये कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। लाठी का एक एक मार, एक एक दर्द का कतरा, बहने वाला खून का एक एक बूंद इस देश में इतिहास की इबादत लिख रहा है, इस बात को आप जान लीजिए। इसीलिए मैं कुछ गंभीर बात आप लोगों से कहना चाहता हूं। ये कोई मौसमी आंदोलन नहीं है, और जब ये मौसमी आंदोलन नहीं है तो कोई मौसमी नेता आपके आंदोलन में घुस करके अपनी नेतागिरी चमकाए आप उसकी इजाजत नहीं दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये पानी का बुलबुला नहीं है कि उठा है और शांत हो जाएगा। ये दरअसल 1947 में जो हिंदुस्तान को आजादी मिली है, 1950 में जो देश का संविधान लिखा गया है, वो जिन मूल्यों पे लिखा गया है, उस आजादी और उस मूल्य को बचाने की लड़ाई है, इस बात को आप समझ लीजिए। सबसे अफसोस की बात यह है कि जो संविधान बचा रहे हैं, जो हाथ में तिरंगा थामे हुए हैं, नहीं चाहिए मेरा नारा मत लगाइए, हम नारा यहाँ सुनने के लिए नहीं आए हैं, अपना नाम सुनने के लिए नहीं आए हैं, हम बेगूसराय से आते हैं, हमारे पास जनता है, जो है मैं कहता हूं कि किसी के भी चेहरे को आगे मत रखिए, अगर आगे रखना है तो देश के संविधान की प्रस्तावना को आगे रखिए। मैं आपसे यह कहने आया हूं कि यह एक दल की लड़ाई नहीं है, यह एक पहचान की लड़ाई नहीं है, यह संविधान और हिंदुस्तान की लड़ाई है, इस बात को आप समझ लीजिए। इसलिए कुछ गंभीरता की जरूरत है। दरअसल जो संविधान बचा रहे हैं, जो देश बचा रहे हैं, उनको देशद्रोही कहा जा रहा है, और जो देश के संविधान से खेल रहे हैं वो आज नकली देशभक्त बनकर के घूम रहे हैं। इसीलिए जब पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, जब लोकतंत्र में और जमहूरियत में विपक्ष की एक मजबूत आवाज नहीं है, उस वक्त इस देश के विद्यार्थियों ने पूरी दुनिया को यह संदेशा दिया है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र अभी जिंदा है, हिंदुस्तान का विपक्ष इस देश की संसद में नहीं, इस देश की सड़कों पे खड़ा है, इस बात को आप समझ लीजिए। इसीलिए जब आप सड़कों पे निकले हैं तो कुछ
कुछ संवेदना और गंभीरता की हमको जरूरत है। सबसे पहली बात ये कि हमको जन जन तक हमारी लड़ाई क्या है इसको पहुंचाना जरूरी है। आज भी एनआरसी एनपीआर और सीएए इसको लेकर के जनता के बीच में एक भ्रम और डर का माहौल है। इसीलिए पहले आप इसकी बारीकियों को समझिए, फिर आप जनता को इसकी बारीकियों को समझाइए कि ये हक की लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है, इस बात को समझना जरूरी है। और ये जो एनपीआर है, ये एनपीआर सबसे खतरनाक है, इस बात को आप जान लीजिए। सबसे दिक्कत की बात ये है कि सीएए की चर्चा हो रही है लेकिन एनपीआर की चर्चा नहीं हो रही है। एनपीआर इस देश में सेंसस के साथ किया जाएगा और इलीगल इमिग्रेंट के नाम पे इसी देश के नागरिक को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का कोशिश किया जाएगा। इसीलिए हमको सरकार के साथ और सहयोग करने की जरूरत है, इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। और यह सहयोग हम इस रूप में करेंगे कि सरकार अगर अपने नागरिक को, अपने देशवासियों को नागरिक मानने के लिए तैयार नहीं है तो हम सरकार को सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए इसमें जो सबसे टेक्निकल बात है उसको समझ लीजिए कि मसला ऐसा है। विद्यार्थियों के इस आंदोलन को आप सम्मान कीजिए और विद्यार्थियों को अपना आंदोलन लड़ने दीजिए। इस देश के विद्यार्थी इतने काबिल हैं कि वो अपना आंदोलन खुद से लड़ सकते हैं। हमारा आपसे ये आग्रह है कि इसमें जो टेक्निकल मामला है वो ये है कि जैसे नोटबंदी के वक्त हिंदू मुसलमान शहरी और ग्रामीण सबको लाइन में लगना पड़ा था, उसी तरीके से अगर पूरे देश में एनआरसी लागू होगा सीएए को पास होने के बाद तो सभी हिंदुस्तानियों को लाइन में लगना पड़ेगा। इसीलिए ये लड़ाई एक समुदाय की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है। इसीलिए हम लोगों को एक बात अपने दिमाग में डालना है कि हम खामोश नहीं होंगे, हम खामोश नहीं होंगे, लेकिन हम हिंसात्मक भी नहीं होंगे, हम हिंसा का भी सहारा नहीं लेंगे। और एक बात जान लीजिए कि हम तो विद्यार्थी हैं, हाथों में कलम लेकर घूमते हैं, AK-47 लेकर नहीं घूमते हैं। और कभी भी जो कमजोरों के हक की लड़ाई लड़ता है हिंसा वो नहीं करता है, जो ताकतवर होते हैं, जो देश की सत्ता में बैठे होते हैं वो हिंसा करते हैं। इसीलिए आप आंदोलन को बदनाम होने नहीं दीजिए। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूरा देश पूरे उम्मीद से आपकी तरफ देख रहा है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि इस आंदोलन को सस्टेन कीजिए और इस आंदोलन को आप इस रूप में लीजिए कि अभी तो नहीं अंगराई है, आगे भाग रही है। इस आंदोलन को आपको ऐसे दो चार दिन के इवेंट में नहीं खत्म करना है, इस आंदोलन को हमको तब तक चलाना है जब तक सरकार यह मान नहीं लेती है यह हिंदुस्तान सबका है और सबके साथ बराबर का व्यवहार होगा। इसी अपील के साथ मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो लड़ाई लड़ी है उस लड़ाई को जारी रखिए और पूरे जोश के साथ।